हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौशिक कंप्यूटर टेकमेट से और आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कोई भी ऐप्स डाउनलोड करने के बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करने के पहले इस स्टोर के बारे में थोड़ा जान लें। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर आपको वायरस फ्री एक ही जगह पर सारे ऐप्स डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे। कुछ ऐप्स फ्री है और कुछ पेड, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। इस विंडोज स्टोर से आप बिना कोई रिस्ट्रिक्शन और बिना कोई झंझट के विंडोज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यह विंडोज स्टोर भी एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर की तरह ही है, जिसे स्पेशली विंडोज 8, 8.1 और विंडोज 10 के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए मैं आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। आप विंडोज बटन पर क्लिक कर सिर्फ स्टोर टाइप करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर लेने के बाद आपको साइन अप कर लेना है। मैं पहले ही साइन अप कर लिया हूं और अगर आपको भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर साइन अप करना है तो यहां कॉर्नर पर प्लस पर साइन कर साइन इन पर क्लिक कर नीचे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर क्लिक कर कंटिन्यू पर क्लिक कर आप कोई भी ईमेल आईडी देकर साइन अप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मेरा पहले ही साइन अप हो गया है तो मैं साइन इन पर क्लिक कर साइन इन करता हूँ। ये मैंने साइन इन पर क्लिक किया और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे इस पीसी पर मेरा अकाउंट ओपन है और वो अकाउंट आपको इस स्टोर पर दिख जाएगा। बस उस अकाउंट पर क्लिक कर कंटिन्यू पर क्लिक कर साइन इन हो जाना। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। जिस ऐप को आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस स्टोर से, वो अगर फ्रंट पेज पे हो तो बेटर है, नहीं तो आप सर्च बार पर क्लिक कर उस एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट न्यू इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन पर जाने के बाद आप उस एप्लीकेशन के ओवरव्यू, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, रिव्यू रिलेटेड ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये एक बेटर ऑप्शन है, सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप इस ऐप के स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि ये ऐप या ऐप कैसा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ या एप्लीकेशन कितने MB का है, फाइल साइज बड़ा है, ये आप यहाँ बॉटम एरिया पर देख सकते हैं। तो इंस्टॉलिंग करने के पहले आप रिक्वायरमेंट्स देख लें, उसके बाद डाउनलोड करने के लिए गेट पर क्लिक करना है। इसके बाद ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू नहीं होता है तो आप इंस्टॉल पर क्लिक कर सकते हैं। जब तक माइक्रोसॉफ्ट न्यूज इंस्टॉलिंग हो रहा है, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के कुछ फीचर्स और सेटिंग्स बता देता हूँ। तो आप थ्री डॉट पर क्लिक कर इसके डाउनलोड अपडेट, सेटिंग्स, माय लाइब्रेरी, विशलिस्ट, ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। डाउनलोड एंड अपडेट्स पर आप अपने पीसी पर जितने भी ऐप्स के डाउनलोड आए हुए हैं वो सारे ऐप्स को देख सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रेडी टू इंस्टॉल, इसका मतलब कि विशलिस्ट पर रखा है और वह इंस्टॉलिंग नहीं किए हैं तो वो आप ऐप्स इंस्टॉलिंग कर सकते हैं। इंस्टॉल पर आप अपने पीसी के जितने भी ऐप्स माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल किए हुए हैं वो ऐप्स यहां पर आपको दिख जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ माई लाइब्रेरी। यहाँ पर आप जितने भी ऐप्स देखे थे या आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद व्यू अकाउंट पर क्लिक कर आप अपना अकाउंट देख सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन पर आप अपना पेमेंट ऑप्शन सेट कर सकते हैं। अब सेटिंग्स पर आते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के कुछ सेटिंग्स है, आपको अपडेट ऐप्स ऑटोमेटिकली इसे ऑफ कर देना है, जिससे अगर आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा हो तो यह ऐप्स अपडेट नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप अपना मेन वर्क कर रहे हैं और तभी इंटरनेट की आपको सख्त ज़रूरत है लेकिन आपको उतना स्पीड नहीं दे पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके कई अपडेट्स ऑटोमेटिक ऑन रहते हैं। उसके बाद लाइव टाइल, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ऑन है, इसे ऑन ही रहने दें। उसके बाद वीडियो ऑटो प्ले, इसे ऑफ कर दें, जिससे क्या होगा कि आप स्टोर पर किसी भी ऐप्स पर इंटर करते हैं तो वह ऐप्स का वीडियो फुटेज ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा। उसके बाद ऑफलाइन परमिशन, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है, और इसे ऑन ही रहने दें, जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट है। इससे आप कोई गेम्स खेल रहे हैं तो
अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो ऑफलाइन आप उस गेम्स या एप्स को एक्सेस कर सकते हैं। परचेज साइन इन इसे ऑफ ही रहने दें, जिससे क्या होगा कि अगर कोई एप्स या गेम्स परचेज कर रहे हैं तो उस समय चेकआउट के लिए पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो उस समय बिना पासवर्ड के फास्टर चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको एक पेड ऐप्स के परचेज ऑप्शन दिखाता हूँ, जैसे कि ये Office 365 पर्सनल। मैं पहले ही Office 2016 प्रोफेशनल इंस्टॉलिंग कर रखा है, बस मैं आपको इसके परचेजिंग ऑप्शन दिखा देता हूँ। बाय एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो ऑप्शन आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड नहीं डालने के लिए कहा जाएगा। अगर आप इसे ऑफ रखे हैं तो यहाँ पर आपको इस स्टोर के अकाउंट का पासवर्ड देना पड़ेगा और साइन इन पर क्लिक करना। अब गेट स्टार्टेड ऐड ए वे टू पे पर आप क्लिक कर अपना कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर देकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज करते हैं वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर भी, किसी भी ऐप्स को बाय करने के लिए। यहाँ आप कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी, सीवीवी नंबर, ये सब सारी चीज़ें फिल कर आप इस ऐप को परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा या ऐप परचेज हो जाएगा उसके बाद और डाउनलोड होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मैं पहले ही माइक्रोसॉफ्ट Office 2016 इंस्टॉलिंग कर लिया हूँ, बस मैं आपको इसके परचेज ऑप्शन दिखा रहा था। इस तरह से आप कोई भी पेड ऐप्स इस स्टोर से परचेज कर सकते हैं। डाउनलोड होकर इंस्टॉलिंग हो चुका है। अब आपको बस लंच बटन पर क्लिक कर आप इस ऐप को एंजॉय कर सकते हैं। आई होप अब आप भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कोई भी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फ्री मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।